प्यारे विद्यार्थियों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्षितिज पुस्तक में से कबीरदास जी की साखियाँ। कि साखियाँ होती क्या है, कबीरदास जी के दोहों को साखियाँ कहा जाता है। और कबीरदास जी ने अपने दोहों में अर्थात अपनी साखियों में निर्गुण भक्ति धारा का वर्णन किया है, अर्थात कि इन्होंने परमात्मा के साक्षात रूप को न मानकर उनका वर्णन किया है। और ये भी बताया है कि जो परमात्मा है प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, हमारी आत्मा के अंदर हमारे हृदय के अंदर ही परमात्मा निवास करते हैं। देखिए जो पहली साखी है हमारी, मान सरोवर सुभर जल हंस केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। कि कबीर दास जी परमात्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल अर्थात कि जो मेरा हृदय रूपी सरोवर है वो जल से भरा हुआ है, अर्थात कि मेरा मन हृदय अर्थात मेरा मन मेरा हृदय जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। हंस केली कराही, और जो हंस है वो इस संसार रूपी हृदय में, अर्थात कि जो मेरा हृदय है इस संसार रूपी सरोवर में से जल से भरा हुआ है। हंस केली कराही, जो हंस है वो आत्मा है, अर्थात कि हंस रूपी जीवात्मा इस हृदय रूपी सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है। दोबारा देखिए कि कवि ने इस संसार को अपने इस संसार की तुलना अपने हृदय से करते हुए कहे कि जो मेरा मंद रूपी तालाब है, मेरा जो हृदय रूपी सरोवर है वो पूरी तरह से जल से भरा हुआ है, और उस मेरे शरीर के अंदर जो हंस रूपी आत्मा है वो उसके अंदर क्रीड़ाएँ कर रहा है, अर्थात हंस रूपी आत्मा मेरे हृदय रूपी संसार में खेल रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई, अर्थात कि वह कि जो हंस रूपी आत्मा है पूरी तरह से मुक्त होकर मेरे इस हृदय रूपी सागर से मोती चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाई, अर्थात कि अब यह जीव आत्मा रूपी हंस उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, अर्थात कहने का मतलब यह है कि मेरा पूरा शरीर क्या है, हृदय रूपी जल से भरा हुआ है और उसके अंदर हंस रूपी जीवात्मा क्रीड़ाएँ कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे कि इस हृदय रूपी सरोवर से अर्थात हृदय रूपी तालाब से वह हंस मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाई, और उस हंस का मन इस में इस प्रकार लग गया है कि अब वह इस हृदय को अर्थात इस संसार को छोड़कर और उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। दूसरी साखिया देखिए कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इसमें कवि कबीरदास जी ने दो प्रेमियों को आपस में बातचीत करते हुए उनका वर्णन करते हुए कहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं संसार में अपने जैसा ही प्रेमी ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ, अर्थात मैं इस संसार में अपने जैसा ही एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहता हूँ जो अन्य प्राणियों से अन्य लोगों से भी प्रेम करे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, मैं इस संसार में आपस से मैं प्रेम करने वाले व्यक्ति को खोज रहा हूँ, परंतु प्रेमी मिले न कोई, परंतु इस संसार में मुझे कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला है। अर्थात कहने का मतलब है कि संसार के लोगों के मन से जो प्रेम की भावना है वो कम हो गई है, और मैं इस संसार में रहते हुए मैं भी एक अपने जैसा सच्चा प्रेमी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी एक सच्चा प्रेमी नहीं मिला है।
प्रेमी को प्रेमी मिले, कि जब एक सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाता है, अर्थात कि जब एक प्रेमी को दूसरे प्रेमी की मन की बात समझने वाला कोई मित्र मिल जाता है, प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत हुई, तो जो उनकी विषय वासनाएं हैं, जो उनके मन मुटाव हैं, वो अमृत हो जाते हैं। अर्थात कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ने कोई, कि संसार में मैं एक ऐसे सच्चे प्रेमी की खोज कर रहा हूँ कि जिसे वह मेरी प्रेमी प्रेम भावना को समझ सके, लेकिन मुझे इस स्वार्थी संसार के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा सच्चा प्रेमी नहीं मिल पाया है जो प्रेमी को प्रेम मिले। कि यदि सच्चे प्रेम करने वाले को सच्चा प्रेमी मिल जाए, अर्थात कोई हितैषी मिल जाए, सब विष अमृत हुई, तो इस संसार के अंदर जो विष वासनाओं के जो रूपी विचार हैं वो अमृत में बदल जाते हैं। आगे देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, सवान रूप संसार है भूंकन दे जख मारी। कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, इसमें इस साखी के अंदर कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य को बहुत ही सहज भाव से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अर्थात कि जब भी मनुष्य का मन ज्ञान प्राप्त करने का हो तो उसके अंदर दिखावा अर्थात आडंबर नहीं होना चाहिए, अर्थात कि सच्चा ज्ञान हमेशा बिल्कुल सहज और सरल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज बिचारी, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए मनुष्य को बहुत ही सहज दुलीचा डारी। दुलीचा एक ऐसा वस्त्र होता है जो हाथी की कमर पर रखा जाता है, अर्थ जिसको हमें तकिया का या कोई विशेष गद्दा मान सकते हैं। कि मनुष्य को इस संसार में ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए सहज दुलीचा डारी की बहुत ही सरल वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, अर्थ कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहज और सरल तरीका अपनाना चाहिए। सवान रूप संसार है भूकन दे जगमारी, कि यह संसार तो क्या है, कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही भौंकता रहता है। अर्थ कि जब मनुष्य सहज और सरल भाव से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है तो इस संसार के लोग तरह तरह की बातें उसके बारे में करते हैं, अर्थात कि कबीरदास जी ने इस संसार के लोगों को कुत्ते के समान बताया है। कि जिस प्रकार कुत्ते व्यर्थ ही भौंकते रहते हैं, उसी प्रकार क्या है, मनुष्य को उनकी प्रवाह किए बिना सच्चे मन से और साधारण तरीके से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आगे देखिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे, कबीर दास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में कि मनुष्य सब जग रहा भुलान, इस संसार को भुला रहा है, अर्थ कि मनुष्य एक दूसरे को ऊंचा या नीचा मानने के चक्कर में या पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, इस संसार को भुला रहा है। निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान, अर्थात कि जो निष्पक्ष होकर अर्थात बिना किसी पक्षपात के प्रभु के का भजन करते हैं, अर्थात प्रभु को प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करते हैं, सो ही संत सुजान, अर्थात कबीरदास जी ने उन्हें ही सच्चा संत कहा है, अर्थात वही बुद्धिमान लोग होते हैं। कि दोबारा देखिए। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, अर्थात कि संसार के लोग पक्ष और विपक्ष के कारण इस संसार को भुला रहे हैं, और निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो बिना पक्षपात के अर्थात निष्पक्ष होकर परमात्मा को पाने के लिए भजन करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए पूजा करते हैं, सोई संत सुजान, वही सच्चे संत होते हैं और वही लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। कि हिंदू मुआ राम कही कि जो हिंदू धर्म के न्यायी है या हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो अपने आराध्य देव श्री राम को श्रेष्ठ बताते हैं, मुसलमान खुदाई, और जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो अपने खुदा को या अपने रहीम को श्रेष्ठ बताते हैं, महान बताते हैं।
कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास जी कहते हैं कि वही जीवित रहता है जो दुहों के निकट न जाई, कि दोनों के चक्र में न पड़ करके कि परमात्मा को निराकार रूप में स्वीकार करता है। दोबारा फिर बताना चाहूँगा, हिंदू मुआ राम कही कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं या हिंदू धर्म के अनुयायी है वो श्री राम को श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात उनके लिए जो राम है वो सबसे श्रेष्ठ हैं। मुसलमान खुदाई और जो मुसलमान है, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, वो अपने खुदा को अर्थात अपने रहीम को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में रहते हैं। कह कबीर सो जीवता, कबीर दास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति संसार में जीवित रहता है, अर्थात वही व्यक्ति महान होता है जो दुहू के निकट न जाई, कि दोनों के चक्कर में न पड़ करके कि परमात्मा के निराकार रूप को स्वीकार करता है। काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। काबी फिरी काशी भया रामी भया रहीम, कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिरी, काबा है जो मुस्लिम अनुयायी होते हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनका पवित्र धार्मिक स्थल है। जो काशी है वो हिंदू धर्म के अनुयायियों का पवित्र धार्मिक स्थल है। काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो अपने परमात्मा को पाने के लिए काबा जैसे पवित्र स्थान पर जाते हैं, अर्थात काबा जैसे पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं रामी भया रहीम, और जो हिंदू धर्म के न्यायी है वो काशी में जाकर अपने आराध्य को श्री राम को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु जो लोग मध्यम मार्ग को अपनाते हैं रामी भया रहीम, वो क्या है, वो जो ना राम को श्रेष्ठ मानते हैं ना रहीम को श्रेष्ठ मानते हैं, मोट चून मैदा भया, कि वो मोटे चून के उस कण जैसे हैं, अर्थात कि जो मोटा चून जो मैदा है वो सबको पवित्र तो लगता है, लेकिन बैठी कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो बैठकर उनका भोग लगा रहा हूँ। काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम, कि जो मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायी है, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो अपने काबा पवित्र स्थान को पवित्र मानते हैं, और जो हिंदू धर्म के अनुयायी है वो काशी को पवित्र मानते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग मध्यम मार्ग को अपनाते हैं वो अर्थात कि जो दोनों को ही श्रेष्ठ मानते हैं वो मोटे चून मैदा भया, वो मोटे चून अर्थात कि मोटा चून और मैदा व्यायाम अर्थात कि मैदे को भला मानकर बैठी कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों का भोग लगाते हैं, अर्थात कि वो मोटे चून और मैदा दोनों का भोग लगाते हैं, अर्थात दोनों को समान मानते हैं, कि जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो दोनों से समान सफलता प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे कुरने जे करनी ऊंच न हुई, सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कि जो लोग ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, जे करनी ऊंच न हुई अर्थात यदि उनके कार्य महान नहीं है, उनके कार्य अच्छे नहीं हैं, तो ऊंचे कुल में ऊंचे परिवार में जन्म लेने का क्या फ़ायदा, क्या महत्व, अर्थात ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से यदि व्यक्ति महान कार्य नहीं करता है तो उसका ऊंचे कुल में अर्थात ऊंचे परिवार में श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने का कोई महत्व नहीं। सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, सुभरन कलश यदि सोने के बर्तन में या सोने के पात्र में शराब भर दी जाए तो साधु लोग तो उसकी भी निंदा ही करेंगे, उसकी भी बुराई ही करेंगे, अर्थात कहने का मतलब ये है यदि मनुष्य के रूप में जन्म लेने से मनुष्य इस संसार में कोई श्रेष्ठ काम नहीं करता है तो उसका उस उच्च परिवार में उच्च श्रेय उच्च कुल में जन्म लेने का कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार सोने के पात्र में या सोने के बर्तन में यदि शराब भर दी जाए, जो साधु लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो तो उसकी भी बुराई ही करते हैं। ये कबीरदास जी की साखियाँ थी, और इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो तुम्हें बता दिए जाएंगे, वो अच्छी तरह कल करके आएंगे। धन्यवाद।